इसके आगे और बढ़ते हैं। आओ, सबको बुलाएंगे, क्यों चिंता करते हो? जय। आ जाइए। हाँ हाँ वो बच्ची आ रही, आ जाओ बहन। बहुत स्पीड में आ, बस बस बस, अरे पागल है क्या? चुप हो जा, उठ बैठ, उठ बैठ, उठ बैठ पागल। प्यारे प्यारे प्यारे, बस 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 बस, खुश रहे। सुन ली बालाजी ने, बहुत परेशान थे, देख सुन ली, कितनी विचित्र सुनी ये तो देख। प्यारे माइक लो, बोलो बागेश्वर धाम की जय, बोल साधु सन्यासी बाबा की जय, बोल सच्चे दरबार की जय। कहाँ से हैं सर? मैं आपके पास महोबा से हूँ, अलाउद्दीन की नगरी महोबा से हूँ सर। ओ, उत्तर प्रदेश? जी सर। यहाँ तक भाग आए सर? मैं बागेश्वर धाम कंटिन्यू हर मंगल एक हफ्ते में तीन तीन बार गया हूँ, 23-24 बार बागेश्वर धाम होया हूँ सर, और अभी आपके बाहर से दर्शन करके भी आया हूँ, फिर मुंबई आया हूँ सर। मैंने भी कहा था बाबा, अगर मैंने बालाजी आपकी भक्ति सच्चे मन से बहुत वर्ष बहुत साल हो गए करते करते, अगर है सन्यासी बाबा तो मुझे आज बुला ले, मेरा मन हताश हो चुका था सुबह से, अभी तक सर व्याकुल था, पानी तक नहीं पिया था, और बस श्री राम सीताराम सीताराम ही कर रहा था सर। वाह, और प्रभु ने मेरी सुन ली, और मेरा परिचय तो पहली बार है, मैंने जो भी बालाजी महाराज से और सन्यासी बाबा से मांगा वो मुझे पहले मिल चुका है, जो कुछ मैंने कहा वो मुझे पहले प्राप्त हो चुका है, सिर्फ मुझे आशीर्वाद चाहिए था गुरु जी का बस। वाह, मुझे यही चाहिए गुरु जी, बस आपका हाथ मेरे सर पे रखना था सर। खुश बालाजी, बहुत बहुत कृपा, खुश। झुक झुक बैठ, प्रश्न बोलो क्या है सर? प्रश्न तो बहुत थे मेरे, बल्कि कल मैं गया यहाँ से, मैंने कहा बस मुझे रात में कुछ नहीं चाहिए, मुझे अब गुरु जी का आशीर्वाद ही चाहिए, मेरे सर में रख दे, मुझे सब कुछ प्राप्त हो चुका है, मुझे कुछ नहीं, प्रश्न तो कुछ लेके आया था, बल्कि मेरा कोई प्रश्न नहीं है, बस आपका सर मेरे सर में, आपका हाथ मेरे सर में रख दो सर गुरु जी, बस फिर भी पूछो कोई, बहुत बस कुछ नहीं, धैर्य हो जाओ, धैर्य हो जाओ, बस मेरा एक छोटा सा छोटा बच्चा है, अभी अचानक उसकी फिर दोबारा तबीयत खराब हो गई, और जब पहली बार खराब हुई तो तुरंत मैं धाम गया था, फिर मेहंदीपुर बालाजी भी गया था, उसके बाद फिर ग्वालियर वो दिखा के फिर वापस आया था। बुद्धि विचित्र हो जाती बच्चे की, माइक लो ना जी, जी बुद्धि विचित्र हो जाती बच्चे की, दिमागी समस्या बनती है, पागलों जैसी हरकत करने लगता है, भूत बाधा है, आगे कभी नहीं होगी, उन्नति करेगा, जाओ आशीर्वाद। बोलो सतगुरु भगवान की जय, बोलो बागेश्वर बालाजी महाराज की जय। भजन में आपका भी मन लगेगा, पागलों जैसी हरकत करता है, स्वस्थ होगा जी, वाह, जो आपका संदेह है दरबार में लेकर आए जी, वो सत्य है, विद्या मारण करी जाती है जी, अपने द्वारा घर का ही, लेकिन आप घर पर जाकर पांच स्थान बालाजी के, पांच स्थान आसपास जो बहुत प्राचीन और प्राण प्रतिष्ठित हों, उस उन पांचों मंदिरों के पुजारियों से निवेदन करके बालाजी के चरणों का एक राई राई दाना बराबर सिंदूर पांचों जगह का लेना, उसका एक गोला बनाना,
थोड़ा सा मस्तक पर प्रयोग करके और दिन भर के लिए 24 घंटे के लिए बालक के गले में पहना देना, मारण विद्या हट जाएगी, आशीर्वाद की जय। जा प्रकट होती पूर्ण होगी और लोगों का सेवा भी कर पाओगे। जा खुश रहो, ठीक है, सत्य है, बस 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 चुप हो जा, चुप हो जा, जा खुश रहे। आओ बोलो सीताराम। साधु जी बागेश्वर धाम की। आगे बढ़ते हैं, ब्राजी इस बच्ची को भी भेज दो, ये जो पीले कपड़े पहने बच्ची बैठी है टी शर्ट वाली। हाँ आप माइक लो। माँ कहाँ से आई हो? इसमें से ही बोलो, माइक में ही बोलो, उसको ऑन करो माइक को। अब बोलो हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? फिर से बोलो हेलो हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, फिर एक बार बोलो, जरा सुन भाई, आ रही है आवाज? हेलो आ रही बरा। मुंबई से आई हूँ मैं। अच्छा मुंबई में कहाँ से? नहीं अमिताभ बच्चन। क्या? अमिताभ बच्चन। अच्छा तो उनके घर से आई? नहीं वहाँ के बाजू में। अच्छा हम डरा गए, गरीब आदमी। एड्रेस इजी होता है। अच्छा कोई नहीं, एक मिनट। ये बंबई के लोग हैं, अपने ऊपर कर्जा नहीं रखते, हमने मजाक किया सो उन्होंने भी ठोक दिया। ये लोग बहुत होशियार हैं, बच के रहना बाहर वाले। यहां तब तक लोग आपको पूछेंगे जब तक आपसे काम है, फिर तो फोन पर फोन आएंगे। जहां देखा कि अब काम के नहीं बचे, बोले हो गए गुरुजी, ऐसे तो रो जाऊ। ये जगत का हाल है, खैर यहाँ का नहीं। मुंबई बहुत अच्छी है, महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में संतर भय हैं, एक नाथ तुकाराम जनाबाई नाम देव विठल नाथ जैसे भगवान ठाकुर जी विराजमान। नजदीक आओ माँ, आप पहली बार दरबार में आई? हाँ, वैसे YouTube में मैं देखती हूँ हमको। हाँ, अच्छा, रोज कैसा आता है YouTube में? और सबको बताती हूँ। अच्छा कैसा हाँ, आता है बताओ माँ। हाँ, नजदीक आओ। बहुत बढ़िया, आप इतना अच्छी तरह से बताते हैं सबको। बालाजी हम नहीं बताते, बताते तो वो है माध्यम। प्रश्न पूछो आप। नहीं आपका आशीर्वाद चाहिए हेल्थ हाँ, के लिए, बैक पेन, जी पेन, जी और नी पेन, ये सब पढ़े लिखे हैं। ये क्या लिखा है? पाँव में पीड़ा। कहाँ दिक्कत है आपको? है ना? पाँव में पीड़ा, कमर दर्द, बहुत बीमार रहती हैं, अत्यधिक दर्द रहता, L5 नामक नस में दिक्कत है आपको। डॉक्टरी भाषा अनुसार L5 नामक नस में दिक्कत है, इसलिए जकड़न हो जाती है, बीच बीच में सुन्नपन सा हो जाता है, उठने बैठने में दिक्कत बनाता है। भक्ति बढ़ेगी, कृपा रहेगी, खूब चल फिर पाएंगी। केवल दर्शन करने आई थी, दर्द मिटे, पर्चा बने या ना बने, केवल दरबार में देखने आई थी, इसीलिए आपकी अर्जी लग गई है। बराबर सही है, माइक से बोलो सबके लिए। बराबर है। अब कैसा लगा हमारा बहुत मजा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। खुश रहो। मेरा बेटा का अभी ऑर्थोपेडिक का ये है, जर्मन में है, उस पर भी एग्जाम है अभी, मेडिकल काउंसिल में HOD आके साइन करना चाहिए, और HOD उधर का जर्मन का जी, और मेडिकल काउंसिल में उसका फटक से होना चाहिए जी, एग्जाम देने का है उसको। किसका बात कर? मेरा बेटा। अच्छा पढ़ लीजिए, तीसरे नंबर का हमें पता था, पूछोगी। बेटा पर कृपा होगी, पेपर में पास होगा, डॉक्टरी मार्ग में HOD करेगा व मेडिकल में पास होगा, आशीर्वाद है। बराबर, बराबर फिर नीचे मंत्र भी लिखा हमने,
बराबर, तीन माला करनी है। दर्द अभी है शरीर में? अभी कम है। मुट्ठी बांध के खड़े होइए, हम करते उपाय। हाँ, जय श्री राम, सीताराम। आप दोनों हाथ मलो मां, अब लगाओ पूरे शरीर में। राम, बालाजी पूछ तो घुमा दो, मां स्थान छोड़ो, उठो बैठो आप। हाँ, अब आराम है? झूठ तो नहीं कह रही, हमने चुटकी बजा दी हो तो कह रही, बराबर। कभी कोई ऑपरेशन नहीं होगा, जाओ, ये आपका अर्जी का, सदा खुश रहो। हाँ, लिवा लाना एक बार धाम पर, आप भी आना। आपके साथ में बहुत टीम आने वाली, धाम आने वाली। हाँ, आपका पूरा ग्रुप, एक पूरा सर्कल लेकर के आप आई हैं मुखिया बन करके। खुश रहो माँ, खुश रहो। उठ जाओ माँ, माँ मोबाइल चढ़ा गई दान में। अब ये हमारा मजाक था, हम बुंदेलखंडी हैं, सौ दंडी एक बुंदेलखंडी। हाँ,